हमने कल की अवधि में संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, यानी कि उसके अंतर्गत पांच भेद थे। उनमें से हमने दो भेदों के बारे में कल देखा था, और कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज के इस अवधि में हम बचे तीन भेदों के बारे में समझेंगे, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखेंगे। उसका डेफिनेशन यह है कि जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय। यहाँ पे जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, यानी कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियाँ हैं, प्राणियाँ हैं, स्थान है और वस्तुएं हैं, उन सभी के नामों को जो बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है? गाय। गाय, गाय को सब लोगों ने देखा ही है। गाय में बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के गाय है, लेकिन उन सभी को हम क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। हम उस गाय के नाम को बताएंगे तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या है? सिर्फ गाय। मनुष्य, देखिए यहाँ पे हम सब लोग क्या है? मनुष्य है ना। मनुष्य भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम पर्टिकुलरली उस मनुष्य के नाम को बताए तो अभी क्या है? सुरेश है। सुरेश बताया तो क्या है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मनुष्य बोला तो क्या है? एक जाति है। मनुष्य की जातियाँ आदमी, औरत, ये सब है ना, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पहाड़, बहुत सारे पहाड़ है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, माउंटेन है। हमने उसका नाम बताया तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। लेकिन सिर्फ वह क्या है? वह एक पहाड़ है, जैसे बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ों की जाति, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़, पौधे, मेज, पलंग, घड़ी, कपड़े, ये सब सब क्या है? किसमें आ जाते हैं? जातिवाचक में ही आ जाते हैं। ये सभी क्या है? घर है, मकान है, बहुत सारे, ये सब कुछ किस में आ जाते हैं? साइकिल है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज़, एरोप्लेन की हवाई जहाज़, ये सब किस में आ जाते हैं? जातिवाचक में ही आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यह शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करा रहे हैं। यह शब्द क्या है? सिर्फ एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध करा रहे हैं, यह सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका क्या है परिभाषा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से ही, जिन शब्दों से किसी पदार्थ, पदार्थ या धातु, यहाँ पे आपके दिमाग में तीन रखिए, इसमें क्या है? द्रव्य, यानी कि एक लिक्विड, द्रव पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, और दूसरा धान्य, जितने भी धान्य हैं हम हर रोज खाने में यूज करते हैं ना धान्य, वो सभी धान्य, और खनिज पदार्थ, जितने भी खनिज पदार्थ है वह सभी। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ पे दूध है एक लिक्विड रूप है, द्रव पदार्थ है, पानी, पानी भी क्या है? द्रव पदार्थ है, घी, जितने भी दूध के उत्पादन है वो सब क्या है? द्रव्यवाचक में आ जाते हैं, यानी कि वे पेट्रोल है, डीजल है, ये भी क्या है? किसमें आ जाते हैं? द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। गेहूँ, खाने की चीज़, गेहूँ, ज्वार, ये सब, दाल, बहुत सारे दाल है, मूंग दाल, ऐसे सभी जो भी हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं वो सभी वस्तु क्या है?
द्रव्यवाचक में ही आ जाते हैं। सोना, चांदी या क्या है, खनिज पदार्थ। सोना है, चांदी है, आयरन है, यानी कि लोहा, आयरन यानी कि लोहा, जितने भी है जो धातुएं हैं यह सभी द्रव्यवाचक में ही आ जाते हैं। अगला कौन सा है, समूहवाचक। इसकी परिभाषा क्या है, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हो, जिन शब्दों से हमें किसी समूह या समुदाय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि। यहाँ पे भीड़, भीड़ यानी कि क्राउड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो समूह रहता है उसे भीड़ कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही भीड़ इकट्ठा हुआ है। मेला, मेला यानी कि फेयर, फेयर, मेले में बहुत सारे लोग रहते हैं। कक्षा, कक्षा यानी कि क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के समूह को क्या कहते हैं, कक्षा। समिति, समिति बनाया रहता है, समिति यानी कि कमेटी, कमेटी को बनाया रहता है, उन सभी कमेटी में जितने भी लोग रहते हैं 10, 11, 12, उन सभी लोगों को मिलाकर एक समिति कहलाता है। झुंड, झुंड यानी कि ग्रुप, समूह, प्राणियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, झुंड यानी कि समूह। ऐसे और भी अनेक है, परिवार, परिवार यानी कि फैमिली, फैमिली बहुत सारे लोग रहते हैं फैमिली में, उन सभी लोगों को मिलाकर क्या करते हैं, परिवार। सेना, सेना में कौन रहते हैं, सैनिक रहते हैं, इन सभी सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। इस तरह जो भी समूह में रहते हैं उन समूह को जो भी बोध कराता है वह शब्द क्या है, सभी समूह को बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्या हो गए, पांच भेद हो गए संज्ञा के। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है। पांच प्रकार है संज्ञाओं में, समझ में आ गया ना सभी पांचों प्रकार। ठीक है, तो फिर आज इतना ही काफ़ी। हम अगले अवधि में व्याकरण से संबंधित एक अलग सा विषय के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।